अहम खबर आपको दें। सहाफी सिरल अल्मेटा को नवाज शरीफ का मुतनासिया इंटरव्यू। नवाज शरीफ का कल लाहौर हाईकोर्ट में पेश होने का हतमी फैसला किया गया। एडवोकेट नसीर अहमद भुट्टा नवाज शरीफ की जानिब से दलाइल देंगे। आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इशफाक बताइएगा, ये पेशी कल कितने बजे है? कल सुबह 10 बजे नवाज शरीफ अपने वकला के हमरा लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे और 10:30 बजे के करीब जस्टिस मुजाहर अली अकबर नकवी की सबराही में 3 रुकनी फुल बेंच नवाज शरीफ के मुतनाजा इंटरव्यू से मुतल्लिक एडवोकेट अजहर सदीक की दरख्वास्त पर समाअत करेगा और इस पेशी के हवाले से नवाज शरीफ की सरबराही में एक अहम मशावरती इजलास अभी कुछ ही देर कबल हुआ था जिसमें नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने शिरकत की है, जिसके बाद नवाज शरीफ ने कल अपनी कानूनी टीम से मुशावरत के बाद कल लाहौर हाईकोर्ट में पेश होने का फैसला किया है और सुबह 10 बजे नवाज शरीफ अपने एडवोकेट नसीर अहमद भुट्टा समेत जो उनके साथ दिगर वकला होंगे उनके हमरा लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे और जो अपनी पोजीशन है वो वाजे करेंगे। अदालत ने मुतनाजा इंटरव्यू देने पर नवाज शरीफ को तहरीरी जवाब समेत अदालत में तलब कर रखा है और कल नवाज शरीफ अपना बयान भी कलमबंद कराएंगे और इसी पेशी से मुतल्लिक लाहौर हाईकोर्ट में कल सिक्योरिटी इंतजाम भी इंतहाई सख्त करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। किसी ऐसे शख्स को बगैर चेकिंग के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो वकला हो या आम साइलिन हो, उनको मुकम्मल चेकिंग के बाद लाहौर हाईकोर्ट के अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। तो इस हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अपने वकला के हमरा कल पेशी के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनके साथ जो सियासी रहनुमा हैं वो भी कल लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे। शुक्रिया आपका मोहम्मद इशफाक।